और ले लो स्टॉक मार्केट पे टिप्स। आए मजे। कुछ एक्सपर्ट थे टीवी पे आके आपको टिप दे रहे थे और टिप देने से पहले आपको लगा रहे थे चूना और खुद का घर भर रहे थे। सेबी ने ऐसे 5 स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट और उनसे रिलेटेड 10 आदमी और कंपनियों पे भैया बैन लगा दिया है और उनसे 7.5 करोड़ रुपए मांगे हैं कि जमा कराओ वापस। ये लोग क्या करते थे, एक बहुत बड़े बिजनेस चैनल जी बिजनेस पे आते थे, अपने अपने शो बना रखे थे, वहाँ पे तुमको टिप देते थे, तुम उनके टिप में आगे इन्वेस्ट कर देते थे, पीछे से तुम्हारा प्रॉफिट होना हो वो तो अपना कमा के ले जाते थे। और ये बातें कोई मनगढ़ंत नहीं कर रहे भाई साहब, आगे जाके आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि कैसे किसी बातें करते थे लोग। तो आखिर ये है कौन एक्सपर्ट, ये कैसे कमाते थे, आप लोग कैसे फंस जाते थे, क्या होता था इन सबका काम करने का तरीका, और सेबी ने इनको पकड़ा तो पकड़ा कैसे, अब इनके साथ क्या होगा, और आगे आपको ऐसे लोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, सब बताएगा आपका राहुल। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करें वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले समझते मैटर क्या है। भैया एक चैनल है बिजनेस का जी बिजनेस, उस पे आते थे 5 एक्सपर्ट, उनके अपने अपने शोज के नाम थे। पहले एक्सपर्ट का नाम सुनो साहब, ये एक्सपर्ट थे किरण जाधव, इनका शो आता था किरण के कमाल। ये है सिमी भौमिक, इनके आते थे सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। ये है मुदित गोयल, इनके आते थे मुदित के मुनाफे। आशीष केलकर, हिमांशु गुप्ता, ये इन शोज पे आके शेयर रिकमेंड करते थे, ये वाला ले लो, वो वाला ले लो, इस कॉल पे लगा दो, इस पे बुक कर लो, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, और आप बैठ के लेते थे टिप। पर ये जो शेयर आपको रिकमेंड करते थे ना, उससे कुछ देर पहले खुद इन्वेस्ट कर लेते थे या एक स्टॉक ब्रोकर को टिप दे देते थे, वो अपने अपने आदमियों के माध्यम से पैसे लगा देता था, और जब तुम एंटर करते थे ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेते थे। अब तुम्हारे शेयर का क्या हो तुम जानो, इन्होंने तो पैसा कमा लिया 15 मिनट के अंदर। एग्जाम्पल से बताता हूँ, हवा में बात नहीं करते। 25 अगस्त 2022 की बात है, बलरामपुर चीनी का जो स्टॉक है उसमें एवरेज जो वॉल्यूम रहता था वो 35,000 शेयर के आसपास रहता था। एकदम से उसमें उछाल देखा गया और 1,44,000 तक वॉल्यूम पहुंच गया 15 मिनट के अंदर अंदर ही। एक इंडिया मार्ट था उसमें 2400 के आसपास वॉल्यूम रहता था, एकदम से झटके से 36,000 पहुंच गया। नॉर्मली शेयर्स में अगर कोई न्यूज बाहर आती है, कोई नया ऑर्डर मिल गया, गवर्नमेंट का टेंडर मिल गया, इनका किसी से मर्जर हो गया, कुछ भी ऐसी बात चलती है पॉजिटिव जिसके माध्यम से अगर इसमें रुचि बढ़ती है तो समझ में आता है कि ये न्यूज आई थी इस चक्कर में बढ़ गया। लेकिन बिना किसी न्यूज के, बिना किसी लेनी देनी के एकदम से तेजी कैसे हो जाती है साहब, सेबी का दिमाग ठनका, बोले अरे कुछ तो गड़बड़ है साहब। तो उन्होंने ध्यान दिया तो पता चला कि इसी टाइम पे जी बिजनेस पे भाई साहब एक एक्सपर्ट आ रहा है और वो एक्सपर्ट जैसे रिकमेंड करता है इसका वॉल्यूम ऊपर चला जाता है। तो जैसे ही सेबी को पता चला कि अच्छा भैया इनमें हलचल होती है उसी समय होती है जब एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं, तो वो थोड़ा डीप में गए, रिसर्च करी कि अच्छा जो इनमें हलचल हुई है किन डीमेट अकाउंट ने की, उन डीमेट अकाउंट को एनालिसिस किया, फिर उससे बैंक अकाउंट निकाले, उस बैंक अकाउंट से ओनर का पता लगाया कि भाई साहब कौन है ओनर, ओनर का पता लगाने एक बात उसके व्हाट्सएप, उसके एसएमएस और उसके टेलीग्राम चेक किए कि कहीं लेन देन तो नहीं हो रहा, कुछ बातचीत तो नहीं हो रही, और इतनी रिसर्च करके भाई साहब इनके पकड़ में आई कुछ डीमेट अकाउंट है, कुछ लोग हैं, कुछ नाम है जो घूम घूम के बार बार सामने आ रहे हैं। उनके ऑफिस में पहुंचे, रिसर्च की, उनसे बात करी, बयान लिए, तब पूरे मैटर का खुलासा हुआ। तो भाई साहब ये एक स्क्रीनशॉट अभी आपकी स्क्रीन पे, आप इसको देखो। इसमें सिमी भौमिक ने अपने हस्बैंड को मैसेज किया, पार्थ स्वामी धर को, ये जो बलरामपुर चीनी है इसमें ये आगे बढ़ने वाला है, 2 लॉट उठा लेना, 10:42 पे मैं इसको रिकमेंड करूंगी, 10:33-35 के आसपास लिए, और जैसे ही 10:42 पे इन्होंने रिकमेंड किया, आप जैसे मेरे जैसा लोग घुस गए लेने, इन्होंने एग्जिट ले लिया, और उस एक सिंगल ट्रेड में इन्होंने 15 मिनट में बुक किया 1 लाख का प्रॉफिट। सिमी भौमिक ने तो अपने हस्बैंड को तो इन्फॉर्मेशन दी थी, इसके अलावा एक ब्रोकर को और इन्फॉर्मेशन दी थी, और उन्होंने कितने ब्रोकर के साथ किस अकाउंट में क्या क्या ट्रेड किया वो अलग है, उसका हिसाब आगे दूंगा। ये दूसरा स्क्रीनशॉट भाई साहब, ये कह रहे हैं कोरोमंडल का जो कॉल है भाई साहब वो 900 पे बुक कर लेना, ये मैसेज कर रहे हैं सिमी को। सिमी कह रही है अच्छा ठीक है साहब ले लेंगे, ये ले लिया है, फिर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इन पांचों के गेम के पीछे जो निकल के एक कॉमन नाम आया जो कि असली मास्टरमाइंड है पूरे गेम का, ये तो चेहरे हैं जिनके कहने पे काम हो रहा है, असली प्रॉफिट जिसने कमाया, जिसने टिप दी, वो है निर्मल कुमार सोनी। एक बार ये चार्ट बनाया, इस चार्ट को देखिए, मैं चार्ट आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं कि इस चार्ट में क्या हुआ, और ये देखो आपस में कैसे रिलेटेड है। ये चार्ट को देखो, ये हिमांशु के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती थी, किरण के पास आए, मुदत के पास आए, ये तीनों देते थे आशीष केलकर को, ये केलकर पहुंचा देता था वो सारी बात निर्मल कुमार सोनी को। सोनी की खुद की फर्म थी मनन शेयर कॉम प्राइवेट लिमिटेड, और उसके अलावा एक कंपनी थी SAR कमोडिटी और कन्हैया ट्रेडिंग, इसमें भी ट्रेडिंग करते थे। अभी आगे और कहां कहां करते थे पता नहीं, पर ये तो सबूत के साथ है जो इन्होंने बताया है। सेबी ने 3 कैटेगरी बनाई है, इस ग्राफ को गौर से देखना, इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है। एक कैटेगरी बनाई कि प्रॉफिट मेकर कौन है आखिर में, तो प्रॉफिट मेकर वो है जिन्होंने सौदे लगाए, तो ये जो आपके मास्टरमाइंड है निर्मल कुमार सोनी और इनकी जो कंपनियां है, ये जो बीच का सेक्शन है ये प्रॉफिट मेकर है। नीचे वाले जो भी इनके ऑथराइज्ड सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स वगैरह हैं, कि इनेबलर है,
इन्होंने भाई साहब मदद की है इसको पूरा एग्जीक्यूट करने में। और लास्ट में तीसरी कैटेगरी है स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, वो है जो टीवी पे आके सारी चीज को चालू करते थे, जनता के सामने ये लोग रहते थे। सेबी ने रिसर्च किए मात्र 1 फरवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 यानी 11 महीने की रिसर्च की है। इस 11 महीने में इन पांचों का एनालिसिस करके पता चला है कि भैया इन्होंने 1047 ट्रांजैक्शन किए, टोटल 7,41,00,000 रुपए कमाए। इनमें अगर मैं ब्रेकअप की बात करूं तो SAA है, इसने कमाए 4,38,00,000, मनन ने कमाए 1,35,00,000, कन्हैया ट्रेडिंग के 1,10,00,000, पार्थ सारथी जो इनके हस्बैंड थे 54,00,000, निर्मल सोनी 4,00,000। अभी मैं सोचो इन्होंने तो कुछ कमाया नहीं, इन्होंने अपने नाम पे ज्यादा ट्रेड नहीं किया, थोड़े से समझदार थे। केलकर जी ने कहा भैया हमारे तो प्रॉफिट शेयरिंग होती थी, हम जो भी कहते थे हमारा जो कट था वो मिडिलमैन के थ्रू पुणे में हमको मिल जाता था। आपकी सिमी भौमिक जी ने कहा जी मैं निर्मल कुमार सोनी जी से 75,00,000 रुपए ले चुकी हूँ और 1,00,00,000 रुपए लेने अभी बाकी है हमारे। तो अभी सेबी ने भाई साहब इनसे मांगा, पहली बात तो जो तुमने गेन किया 7,41,00,000 ये तो वापस करो। दूसरा इनको कहा कि भैया अब तुम इनडेफिनेट टाइम तक शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, और एक नोटिस इनको और भेजा है कि चलो ये तो वो पैसा वापस मांगा है जो तुमने कमाया था, अब तुम्हें बताओ कि तुम्हारे पास जो लाइसेंस वगैरह है ये क्यों ना वापस ले लिया जाए, ये तुम पे और एडिशनल पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए, और तुम पे कोई कानूनी कार्रवाई और ज्यादा भयंकर क्यों ना की जाए। देखते हैं इस केस में और आगे क्या क्या होता है। तो सर ये लोग टीवी पे ऐसे क्या आ गए, क्या बात हो गई? टीवी पे ऐसे आ गए साहब, इनमें से दो थे रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, एक रिसर्च एनालिस्ट का एम्प्लॉय था, ऊपर से इनके थोड़े बहुत ट्विटर पे सोशल मीडिया पे 25,000-50,000 इधर उधर फॉलोअर थे, तो इसकी वजह से अच्छा सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी है, जितने फॉलोअर है, रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है, दे दी न्यूज ने जगह, और वहां पे बैठ के इन्होंने अपना गेम फैला दिया। अब मेरी सोच ये है कि रिसर्च हुई है सिर्फ 11 महीने की, ये पता नहीं ये काम कितने टाइम से कर रहे थे, और ये तो चलो मान लो शायद बेवकूफी थी कि चैट पे बातचीत कर ली, या और स्मार्टनेस थी हमें कौन पकड़ लेगा, लेकिन इसके अलावा इससे पहले इन्होंने क्या क्या किया, और ऐसे कितने लोग हैं जो अभी अलग अलग चैनलों पे हैं, और क्या पता इनमें क्या चीज चल रही है। तो भैया जिन चीजों पे तुम भरोसा करते हो एक एक करके आपके भरोसे टूट रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी, एक्सपर्ट की? नहीं, तुम्हारी। बोलो हमारी गलती कैसे? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट सबको करना है, पैसा सबको छापना है, पर रिसर्च नहीं करनी जरा सी, दिमाग नहीं लगाना अपना, फंडामेंटल नहीं देखना। अपन को तो भैया टिप दे दो, कोई भी दे दो, अखबार ढूंढ रहे कहीं टिप मिल जाए, टीवी देख रहे कहीं टिप मिल जाए, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अरे भैया अपनी रिसर्च करो। जो बढ़िया इन्वेस्टर होगा ना जिंदगी में, वॉरेन बफेट टिप देते नहीं फिरते कि लो एक टेलीग्राम में बता देता हूँ कौन सा लेना, वॉरेन बफेट राकेश झुनझुनवाला ये अपनी टिप बताएंगे क्या? ये अपनी रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। आप भी अपनी रिसर्च करो साहब, नहीं आती चीजें तो सीखो। जब सुबह से शाम नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, 10-12 घंटे मेहनत से पैसा कमाते हो, उस मेहनत के पैसे को लगा रहे हो, तो 1-2 घंटा उसमें भी दिमाग लगा लो सर। और एक चीज याद रखना, दुनिया में देयर आर नो फ्री लंचेस, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज आपको फ्री में दे रहा है तो आपसे ज्यादा फायदा उसका है। तो भैया स्टॉक मार्केट में कैसे रिसर्च करते हैं उसको सीखो, दिमाग लगाओ। यूट्यूब पे जैसे टिप ढूंढने जाते हो ना कि टिप कोई दे दे, टिप कोई दे दे, नॉलेज ढूंढने जाओगे तो नॉलेज भी मिलेगी। और अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ दूं तो एक वीडियो उस पे भी बना देंगे, मुझे कमेंट में बताओ आपको चाहिए क्या। बैठा ना तुम्हारा भाई देने को, ना चैनल सब्सक्राइब कर रहे, ना वीडियो को लाइक कर रहे, टिप मांगने जा रहे हो इधर, फंडामेंटल चीज मांगनी है तो आओ मेरे पास। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।